तो वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं किस तरह से एक पर्टिकुलर कॉलम में से यूनिक लिस्ट निकाला जाए। हालांकि यूनिक लिस्ट निकालने के लिए एक्सेल में ऑलरेडी चीजें हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, यहाँ से हम रिमूव डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। या फिर यूनिक का फॉर्मूला, अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो यूनिक का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, एक यूनिक लिस्ट इसमें से निकाल के दे दें। बट मैं एक काम वीवी के थ्रू करना चाहता हूँ, ओके? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें से यूनिक नेम निकाल के सबका डेटा अलग अलग करना, अलग अलग फाइलें बनाना, ऐसी चीजें हम इस तरह की लिस्ट से नहीं कर सकते, फॉर्मूले के थ्रू ही नहीं कर सकते। उसके लिए वीवी कोडिंग हम यूज कर पाएंगे। तो विजुअल बेसिक पे जाते हैं। एक मॉड्यूल्स इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल होता है कि dim dt एज ए न्यू कलेक्शन क्या करता है कि अपने न्यू कलेक्शन डेटा टाइप है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम इसमें खासियत यह है कि वो यूनिक डेटा को डालता ही नहीं है, एक जो डेटा डाल लिया वही डालेगा, दोबारा डालता ही नहीं। तो यहां पे हम लगाते हैं फॉर्मूला कि फोर आई इक्वल टू चले 22 रेंज ए 65,000 डॉट एन एक्स लिस्ट आप डॉट रो नेक्स्ट। यहां पे लिखते हैं डी टी डॉट एड, क्या ऐड करना है? तो हमने यहां पे लिया कि रेंज ए के साथ हमने आई डाल के डॉट वैल्यू, इसमें आता है की। अब की डालना जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि सेम डेटा टाइप होता है, हालांकि की अगर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। एक काम करते इसको नहीं डालते, फिलहाल कहीं नहीं डालते। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, जैसे डुप्लीकेट वैल्यू इसमें ऐड होगा एरर दे, तो यहाँ हम देते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे लूप लगाएं कि फोर इच आइटम इन टी टी नेक्स्ट आइटम, और यहाँ हम देते हैं रेंज यहाँ पे डी और डी 65,000 डॉट एंड एक्स लेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। ओके, अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। रन करके चेक तो किया, बट क्या है कि पूरा का पूरा डेटा दे दिया, दिख रहा है सर? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसके अंदर की नहीं डाला। अगर इसके अंदर की के अंदर में सी एस टी आर चेंज एस टी आर और हमने ये जो रेंज वाला जो कोड डाला है दोबारा से डाल देते हैं ए के साथ आई डॉट वैल, सी एस टी आर एक फॉर्मूला है, चेंज एस टी आर डेटा कंट्रोल फॉर्मूला बोला जाता है, और इसको यहां से करते रन। समझ गए? हाँ, दोबारा से बताइए एक बार जरा सही सही। क्या अभी भी गलत गलत बताया क्या मैंने? सुधीर सर जी अभी गलत बता दिया क्या? नहीं, मतलब बताओ चले लेकिन थोड़ा सा ठीक दोबारा अच्छे से समझेंगे। है, आपने सही सही बताया। जी। देख क्या होता है, एक ध्यान रखिए कि हम वेरिएबल देते हैं ना, तो अगर हम एक वैल्यू एक डेटा एरे फॉर्मूला लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो एक सेल में एक फॉर्मूला ऐड होता है, जैसे मैंने लिख दिया आर इक्वल टू पूजा, तो पूजा ऐड होगा क्या? बट न्यू कलेक्शन जी फॉर्मूला जी है,
जो कि एक साथ कई सारे वैल्यू को स्टोर करता है एरे की तरह, समझे। न्यू कलेक्शन एक ऐसा डेटा टाइप है कि कई सारे डेटा को ऐड करता है, और इसकी एक खासियत है कि अगर इसके अंदर आपने की डाल दिया तो एक वैल्यू को मल्टीपल टाइम नहीं रहे। की मतलब क्या, की इट मींस होता है ना यूनिक नंबर, प्राइमरी की वगैरह बनाते थे ना हम डेटाबेस में, वही की है। अगर आपने की डाल दिया तो एक बार में एक ही की जनरेट होता है, दूसरा की तो जनरेट होगा नहीं, होगा नहीं तो डेटा ऐड करेगा नहीं। तो पूजा नाम का की जनरेट कर दिया तो एक पूजा नाम का दूसरा की तो जनरेट करेगा नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, पूरे डेटा के सेल को एक एक करके डीटी पे ऐड करवा। तो ऐड करते समय जो नंबर जो नेम डुप्लीकेट आएगा वो एरर देगा, मैंने यहाँ पे बोल दिया इग्नोर एरर, ठीक है, ऑन एरर जूमनेस मतलब कि इग्नोर एरर। ये क्या किया कि जो जो जिस जिस जो है जहाँ डुप्लीकेट था वहाँ एरर आया, जहाँ एरर आया वहाँ से इग्नोर हो गया, और आपको यहाँ पे वही दिखा जो विजिबल है। उसके बाद सारे जितने भी नेम है वो डीटी अपने अंदर स्टोर कर लिया, फिर हमने यहाँ पे फोरिच के जरिए एक एक करके हम यहाँ से ले लिए। जी जी सर, ये तो जैसे ये है ना कि आपने एक डुप्लीकेट जितने भी वैल्यू यूनिक वैल्यू थे उसको एक कॉलम में डाल दिया। अब जैसे मेरा क्या करना है कि सपोज फर्स्ट वाला जो नेम है उसमें प्रोजेक्ट नेम है और सेकंड कॉलम में है नंबर किसने उस पर प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो कई बार मैं एक ही प्रोजेक्ट पे दो तीन बार काम करना पड़ जाता है, तो मुझे पर्टिकुलर हर बंदे का चाहिए कि उसने यूनिक कितने प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो आपके साथ दो कॉलम है ना, क्या कंडीशन सपोज जैसे ये नेम वाला जो कॉलम है उसमें प्रोजेक्ट नंबर है, ठीक है सर, प्रोजेक्ट नंबर या प्रोजेक्ट नेम कुछ भी है, और सेकंड वाला जो बी कॉलम है उसमें है कि रिसोर्स नेम है। तो आप यहाँ लगाना चाहते हो ना कि पूजा ने कितने प्रोजेक्ट उसका अकाउंट निकालना चाहते हो। हाँ, ये दो प्रोजेक्ट में काम किया, मान लीजिए पूजा यहाँ पे मान लीजिए कितने यूनिक प्रोजेक्ट पे काम किया है, वही पीआरसी वन हो गया और यहाँ पे आ गया पीआरसी टू। पूजा मान लीजिए यहाँ पे पीआरसी टू हो गया तो इन दोनों का काउंट करके टू आ जाए। अगर यहाँ भी पीआरसी वन होगा तो क्या करे, तो वन आ जाए। ओके इसको पिवट्स निकाल लो आप, नहीं तो बहुत सारा होगा ना, फिर सबके लिए पिवट लगाना पड़ेगा। वो पिवट का आपने वो बताया कोड बताया नहीं अभी, पिवट के थ्रू निकल जाएगा, पिवट के थ्रू निकल जाएगा यार। रिमूव डुप्लीकेट तो नहीं, काउंट करना ना आपको सर। काउंट करना है, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। एक सैंपल डेटा बना के भेजिएगा, बता दूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है।